अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीनास कुकिंग एंड ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी तो सोचा कि चलते हैं जैतून में शॉपिंग करने। और शॉपिंग करते हुए ख्याल आया कि कुछ लोग एक सवाल हैं जो बार बार पूछते हैं, साथ ये वीडियो भी शेयर कर देंगे और साथ वो बात भी बता देंगे जो लोग बार बार पूछते हैं। वो सवाल ये है कि आप वीडियो कैसे बनाती हैं। तो उसका जवाब मैं आज आपको दूंगी कि मेरे पास मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, तो उसके साथ ही वीडियो बनाई जाती है। और वीडियो जो बनाने का तरीका है, कैमरे का जो स्टैंड है वो मैंने जैतून से ही ख़रीदा है। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है यही स्टैंड है मेरे पास, ये 25 एरो का ख़रीदा था जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था 1 साल पहले। स्टैंड पर कैमरा लगाने से ये सहूलत होती है कि जो आप आसानी से वीडियो को शूट कर सकते हैं और बाद में आप इसे एडिटिंग करना भी आसान हो जाता है। अगर आप हाथ में पकड़कर मोबाइल को या कैमरे को करते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये भी स्टैंड है लेकिन ये जो है ये काफ़ी बड़ा है। ये वाला तो आप अपनी रेंज के मुताबिक ही ख़रीदना है कि आपको किस तरह का स्टैंड चाहिए कैमरे के लिए। तो अगर आप जो है वीडियो बना रहे हैं कैमरे से या मोबाइल से, अगर आप स्टैंड पे लगा के उसे बनाएंगे तो वीडियो बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही उसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और जो वीडियो मैं बाहर शूट करती हूँ, जिस तरह से इस टाइम पे ये हम बना रहे हैं वीडियो, ये वाली हम सेल्फ़ी स्टिक के साथ बनाते हैं। सेल्फ़ी स्टिक से भी वीडियो काफ़ी अच्छी बन जाती है। और अगर आप कुकिंग यानी खाना बनाने की वीडियो बनाते हैं तो फिर आप सेल्फ़ी स्टिक के साथ नहीं बना सकते। आपको जो मोबाइल है या कैमरा है वो स्टैंड पर लगाएंगे तो ही आपकी वीडियो का रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, आप चाहें तो अगर कैमरे का स्टैंड या कोई और चीज़ मंगवानी है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत पूरी दुनिया में मौजूद है और बआसानी आप शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज हम ख़रीदने के लिए आए हैं वो है वैक्यूम क्लीनर। वो हमारा ख़राब तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा तंग कर रहा था, इसी वजह से हमने सोचा कि नया ख़रीद लेते हैं। काफ़ी सालों से हमने वो नहीं ख़रीदा, काफ़ी पुराना है, तकरीबन 5 या 6 साल पहले हमने ख़रीदा था, लेकिन अब ये है कि वो सही तरह से काम नहीं कर रहा था। बस यही वजह हमने सोचा कि अब हम नया ख़रीद लेते हैं। दुकानें जो हैं वो सारी खुल चुकी हैं।
शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ये जो सामने चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये हमने ख़रीदी हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।